हेलो बच्चों स्वागत है आज के क्लास में और आज का क्लास जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि मैथ में 90 परसेंट से प्लस स्कोर आप कैसे करेंगे और ये आज का क्लास आपकी आपके स्कोरिंग को 90 परसेंट से ऊपर लाएगा और आपकी दिशा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा ठीक है तो आज हम बात करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में 90 परसेंट का स्कोर आप कैसे करेंगे उसके पांच प्रमुख उपाय हम लेकर आए हैं ठीक है इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखिए और इसको देखिए और समझिए देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना एकदम पक्का जो है आपका बढ़ेगा क्योंकि देखिए मोटिवेशनल वीडियो का मतलब ही होता है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना ठीक है तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत एक बेहद ही उत्साहपूर्वक और प्रेरणादायक के साथ करते हैं कहता है साहिल पे पहुँचने से इनकार किसे है लेकिन साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है साहिल पे पहुँचने से इनकार किसे है लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है ओके तो चलिए आज इस प्रेरणादायक शायरी के साथ साथ आज के क्लास की हम शुरुआत करें ओके चलिए हम अपनी बातों पर आते हैं कि आप जो है मैथ में 90 परसेंट स्कोर आप कैसे करेंगे मेरी इन बातों को आप फॉलो करें और मैथमेटिक्स में आप 90 परसेंट का स्कोर लाएं ओके चलिए देखिए इसके पांच जो प्रमुख उपाय हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं ठीक है और उसको आप हम फॉलो करेंगे आप आराम से देखिएगा ठीक है चलिए कोई बात नहीं है चलिए पहला उपाय जो है बच्चों, आपका है टाइम टेबल पर फोकस करना पहला जो उपाय है ये है आपका टाइम टेबल फोकस करना और दूसरा जो महत्वपूर्ण उपाय है यह है आपका एन बुक यानी कि कम समय में एन बुक हम कैसे फॉलो करेंगे ये आज की क्लास में हम आपको बताएंगे ओके और तीसरा जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रीवियस ईयर प्रश्न जो टेन ईयर्स का हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चाहे आप बिहार बोर्ड के बच्चे हों एमपी बोर्ड के बच्चे हों यूपी बोर्ड के बच्चे हो आप झारखंड बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है यानी कि हिंदी माध्यम से एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं ठीक है उन सभी बोर्ड के बच्चों के लिए जो प्रीवियस ईयर आता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करें ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ें यानी कौन कौन सा अध्याय आप पढ़ें ताकि आपका स्कोरिंग अच्छा हो आज के क्लास में हम ये भी बताएंगे और लास्टली बच्चों जो लास्टली पॉइंट है यह है हमारा वस्तुनिष्ठ यानी या वस्तुनिष्ठ पैटर्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम कैसे कवर करेंगे ठीक है ये बातें आज हम बताने वाले हैं यानी कि मैथ में आप 90% परसेंट स्कोर कैसे करें यह हम आपको बताएंगे ओके तो चलिए पहला पॉइंट पर डिस्कस किया जाए और पहला पॉइंट आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये है देखिए पहला पॉइंट जो है आपके स्क्रीन बोर्ड पे यह है देखिए हम पहली बात क्या बताने वाले हैं ठीक है तो पहला है ये हमारा टाइम टेबल यानी कि हम कैसे पढ़ाई करें है ना चूंकि अब क्या है ना एग्जामिनेशन में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है है ना हमारा साल का जो है छह महीना जो है सात महीना छह से सात महीना ऐसे ही बीत चुका है और आने वाला समय जो है बिल्कुल कम है हमारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो उसके लिए हम टाइम टेबल पर फोकस कैसे करेंगे इस बातों को आप लोग को ध्यान देना है ओके टेंशन नहीं लेना है बच्चों आराम आराम से देखना है और समझना है सही बातों को ओके तो हमने पहला जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि आपका टाइम टेबल पर फोकस क्या होना चाहिए ठीक है तो टाइम टेबल है बच्चों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है क्या है ना कि आपका दिन का यदि सुबह मॉर्निंग छह बजे से शाम छह बजे की बात की जाए तो आपका दिन भर का समय जो है ना आपका ट्यूशन आने जाने या कॉलेज आने जाने में समय लग जाता है तो और बाकी का समय जो है तो हम कैसे अपना टाइम टेबल पर फोकस करेंगे हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और अच्छे तरीके से और हम मोर देन 90 परसेंट स्कोर को कर सके ओके तो ये हम टाइम टेबल पर फोकस करने वाले हैं ठीक है, है? टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल आराम आराम से हमारी बातों को समझना है और ओके चलिए है ना हम अब डिस्कस करने वाले हैं टाइम टेबल पर और टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल आराम आराम से पढ़ने का ठीक है और तो टाइम टेबल पर हम फोकस कर रहे हैं बस विद इन वन सेकेंड के अंदर हम टाइम टेबल पर आ जाएंगे कि हमारा टाइम टेबल पर हमें फोकस क्या करना है और किस प्रकार से करना है ओके चलिए तो हम आने वाले हैं कि मैथ में नाइन्टी परसेंट स्कोर करे तो कैसे करे इसके लिए क्या उपाय है तो पहला जो पॉइंट है हमारा ये <coughs> उस पर हम फोकस कर रहे हैं ठीक है चलिए बच्चों <clears throat> हम अपने बेसिक पहलू पर आ रहे हैं कि हमें करना क्या है ओके तो टेंशन नहीं लेने का आराम आराम से पढ़ने का और समझने का ठीक है चलिए हमारी जो बातें हैं उसको आप समझिएगा और समझ के सही बात को अपना फॉलो करना है कि किस प्रकार से हम ओके चलिए हम अपने आ गए हैं अपने काम पे और देखिए हम फोकस करने वाले हैं टाइम टेबल पर ठीक है तो टाइम टेबल पर हम फोकस कैसे करेंगे इस बात को हम बिल्कुल गहन अध्ययन करेंगे बच्चों चलिए टाइम टेबल की बात करें ठीक है तो हमने बताया कि आपका जो है आपका 24 फोर आवर्स की हम बात करते हैं ठीक है तो 24 फोर आवर्स में आपको करना क्या है ठीक है तो इसमें से जो है आप जो है छ घंटे जो है आप निकाल दो ठीक है छ घंटे आप निकाल दो आपके पास बचा कितना तो अठारह घंटे ठीक है अठारह घंटे में ठीक है आप अठारह घंटे में क्या करो दो घंटे और माइनस कर दो ठीक है बच गया आपके पास क्या सोलह घंटे ठीक है सोलह घंटे में क्या है कि आपका जो है ट्यूशन आने जाने पढ़ने का आपका समय निकाल दें क्योंकि आपका सिलेबस काफी लेंदी है ठीक है इसमें से आप पाँच से छः घंटा जो है छ घंटा आप और माइनस कर दो ठीक है यानी आपके पास बचा ये छः घंटा ठीक है तो ये घंटा में हमको कैसे क्या पढ़ना है इस बात को फोकस करना है ठीक है तो चलिए हम बताते हैं कि इस पूरे छः घंटा में हमें क्या करना होगा तो देखिए हम नहीं तो बता रहे थे कि छे घंटा आपके पास है और छह घंटे में पढ़ाई कैसे करनी है ओके चलिए आप पहला पॉइंट को डिस्कस करते हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि आप रात्रि में ठीक है रात्रि में आप कम से कम है ना आप आठ बजे से ठीक है ग्यारह बजे तक आठ से ग्यारह बजे तक ठीक है आप क्या करो है ना यदि आप मैथ का बुक लेते हो ठीक है इस मैथ के बुक को आप पहल करो ठीक है और उसके बाद देखिए आउटी समय है यानी कि ये हमारा हो गया तीन घंटा ठीक है और क्या है आपका जो समय आपके पास है उसकी बात मैं करता हूं दोपहर में ठीक है दोपहर में आप क्या करो ठीक है कि आप एक ठीक है एक से तीन एक से तीन बजे तक ठीक है ना आप फिर क्या करो सिर्फ दो घंटे के लिए ठीक है दो घंटे के लिए आप मैथ लेकर बैठो ठीक है या तो आप दोपहर का टाइम यूज करो मैथ के लिए ओके आप या तो क्या करो दोपहर का टाइम यूज करो या फिर क्या करो आप शाम का टाइम यूज करिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो खास करके यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना तो कम से कम दो घंटे जो है ना दो घंटे आप पढ़ाई बिल्कुल करो ठीक है ओके तो ये बात है टाइम टेबल की बात कि दो घंटे सब्जेक्ट हमको पढ़ना है मैथ पढ़े तो दो घंटा फिजिक्स पढ़े तो दो घंटा केमिस्ट्री पढ़े तो दो घंटा और जो भी आपका सब्जेक्ट है हिंदी या जो भी है कम से कम दो घंटा एक सब्जेक्ट कम से कम एक बार में दो घंटा पढ़ो जी ठीक है उसके बाद रूटीन सेट कर लेना है ठीक है रूटीन सेट कर लेना है कि किस प्रकार से हमको क्या करें तो आपके पास क्या है ना कि सप्ताह का सात दिन होता है आपके पास क्या होता है सप्ताह का जो होता है ये सात दिन होता है मेरी बातों को सुनिएगा ठीक है सात दिन में आप रोटेशनल प्रणाली को अपनाओ ठीक है सो आप है ना यदि दिन में दो घंटे निकालते हो तो मैथ पढ़ो यदि शाम में दो घंटे निकालते हो तो फिजिक्स पढ़ो ठीक है इस तरह से रोटेशनल प्रणाली को अपनाइएगा ना तो आपका क्या है बिल्कुल सही वे में आप जाइएगा ठीक है इस बातों को फॉलो कीजिएगा सप्ताह का सात दिन में हमको पर पर डे जो है पाँच से छः घंटे अपना सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है और सेल्फ स्टडी का निकालने का टाइमिंग हम आपको बता दिए हैं ठीक है या तो रात्रि या तो दोपहर और नहीं तो एक ऑप्शन और भी है वो है आपका सुबह का टाइम ठीक है सुबह का टाइम जो तीन से पाँच होता है है ना एक टाइम जो है सुबह का टाइम जो है तीन से पाँच जो होता है उस पर ज्यादा फोकस करनी है उस टाइम में जो आप चूंकि उस टाइम में वातावरण जो है ना बिल्कुल शांत होता है ठीक है उस टाइम में आप रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट पढ़ सकते हो उस टाइम में क्या है कि आप रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट पढ़ सकते हो ठीक है इस बात को फॉलो कीजिएगा तो ये तो हमारा टाइम टेबल की बात हो गई कि हम टाइम टेबल को हम किस तरह से हम रियलाइज करेंगे टाइम टेबल को कैसे मेंटेन करेंगे ठीक है चलिए तो अपनी बातों पर हम आते हैं ठीक है और बेसिकली जो है हम जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देना है ठीक है चलिए कोई बात नहीं बच्चों हम जो बेसिकली जो बात हम पढ़ रहे हैं उस पर हम मुख्य फोकस पर आते हैं कि हमें आगे क्या करना है और टेंशन नहीं लेना है आराम आराम से पढ़ना है ठीक है चलिए हम जहां थे वहां पे आ रहे हैं और ये पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस बात पर आप फोकस करेंगे कि देखिए हमारा क्या है ना कि ये एनसीआरटी का बुक ठीक है आप क्या करो कम से कम समय में एनसीआर का बुक फॉलो करेंगे अभी आपके पास जो है कम से कम सात से आठ महीना है ठीक है इस सात से आठ महीने में हमको क्या करना है कि एन मैथ का बुक ठीक है एन मैथ का जो बुक है ठीक है उसको हम क्या करेंगे कि आप एक से दो बार है ना एक से दो बार जो है ना आपको बना जाना है एक से दो बार क्या करना है तो बना जाना है आप एनसीईआरटी बुक को एकदम बिल्कुल गहन अध्ययन कर लीजिए चाहे एनसीईआरटी बुक का आपका क्या हो एग्जाम्पल हो ठीक है चाहे एनसीईआरटी बुक का क्या हो आपका एक्सरसाइज हो ठीक है चाहे आपका विविध प्रश्नावली हो ठीक है एनसीईआरटी बुक मैथ में आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो चाहे एक्सरसाइज का हो चाहे विविध प्रश्नावली हो है ना आप अभी से है ना एक से दो बार है ना तो पहले तो सिलेबस कवर कर लीजिए कि हमारा सिलेबस में तेरा अध्याय है, है ना हमारा एनसीआर में, मैथ में जो है ये तेरा अध्याय है इस तेरह अध्याय को हम पहले कवर कर लें ठीक है और उसके बाद क्या है ना उसको हम रिवीजन कर लें क्या कर लें हम रिवीजन कर लें ठीक है इस बात को आप जरूर फोकस कीजिएगा जो हम बता रहे हैं उसको जरूर ध्यान दीजिएगा तो ये हमारा दूसरा मोटो दूसरा पॉइंट था बच्चों कि की बुक को हम फॉलो करेंगे ओके? चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और आपका जो टेन ईयर्स का जो है ठीक है टेन ईयर्स का जो आपका क्वेश्चन बैंक है ठीक है टेन ईयर्स का जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है ठीक है क्वेश्चन बैंक होता है ठीक है इसको क्या करना है बच्चों आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करना है आपका टेन इयर्स का इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दस सेट होगा मैथ का ठीक है यदि प्रत्येक सेट में यदि आपका चालीस भी प्रश्न होगा ठीक है चालीस भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा तो कम से कम क्या हो जाएगा आप दस से गुना कर दो तो ये चार आपका क्या हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा ठीक है चार क्या हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा यदि मान लिया जाए दस सेट आपके पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दस सेट में यदि आपका प्रत्येक में आपका पंद्रह ही मान के चलिए पंद्रह प्रश्न जो है यह हमारा लघुतरीय है प्रश्न जो है यह हमारा क्या है लघुतरीय है ठीक है तो लघुतरीय है ठीक है तो लघुतरीय है इसमें दस से गुना कर दो तो ये आपका डेढ़ सौ जो हो गया ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया जरा बात को देखिएगा है ना ये हमारा क्या हो गया डेढ़ हमारा क्या हो गया शॉर्ट क्वेश्चन हो गया और यदि दस सेट की बात करें इसमें हम तो यदि मान लिए जाए हमारा पांच ही है या सात है सात या आठ प्रश्न है ना आठ प्रश्न हमारा लघुतरीय है इसको दस दीर्घ उत्तरीय है दस से गुना कर दीजिए अस्सी क्वेश्चन हमारा जो है लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है अस्सी क्वेश्चन जो है हमारा क्या है लॉन्ग क्वेश्चन है तो देखिए है ना कि प्रीवियस ईयर में हमारा क्वेश्चनों का भरमार है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का बहुछार है ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन भी भरमार है और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी भरमार है तो इस प्रीवियस ईयर का ये दस सेट हम क्यों ना कम से कम अभी से जो हमारा सात महीना का जो टाइम बचा है ठीक है अभी से ही कम से कम जो है ना तो ये जो हमारा दस सेट है उसको हम कम से कम तीन से चार बार ठीक है तीन से चार बार क्या कर लेना है इसको रिवीजन कर लेना है ठीक है क्या करना है इसको रिवीजन कर लेना है इसको बना लेना है तो देखिएगा ना कि आपका नंबर मार्किंग जो है नाइनटी परसेंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और प्रीवियस ईयर की खासियत क्या है ना कि आपका आत्मविश्वास लेवल जो है ना काफी बढ़ेगा बच्चों है ना यदि पिछले साल का क्वेश्चन आप अच्छे तरीका से बना लेते हो तो बिल्कुल है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता ये है ये ऑटोमेटिकली है जो आप में आत्मविश्वास को बढ़ाएगा ठीक है और ओके तो चाहिए हम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे थे ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखिए है ना ये है भी आई में से भी आई कि कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा मार्केबल होगा किस पर हमको ज्यादा फोकस करना होगा ठीक है तो देखिए इसमें आपका जो कैलकुलस पढ़ना है ना कैलकुलस जो आपको 50 मार्क का क्वेश्चन पढ़ना है ठीक है इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है जी और इस कैलकुलस में खास करके दो चीज पहला क्या कि हमारा डेरिवेटिव्स ठीक है इस डेरिवेटिव्स पर फोकस करना है यानी कि जिसको कहते हैं डी बाय डी एक्स ठीक है यानी जिसको कहते हैं आपका अवकलन ठीक है इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और दूसरा जो फोकस करना है ये हमारा है इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन बोले तो हमारा क्या है समाकलन बोले तो समाकलन ठीक है आपको ये दोनों ही आपका पचास में से जो है ना ये दोनों जी आपका जो है आपका 25 से 30 मार्क्स आपका दिलाएगा ठीक है इसलिए हमको क्या है अच्छे तरीका से पूरा अवकलन और पूरा समाकलन जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीका से पढ़ना है ठीक है ओके ये हमारा मार्केबल है कैलकुलस के लिए और भी इसका है जिसमें हमारा क्या है जैसे अप्लीकेशन है जिसे मान लिया जाए इंटीग्रेशन के भी अलावा जो है कुछ चैप्टर है इसमें जो ज्यादा आपका मार्केबुल है जैसे क्या है कि d बाय डी एक्स का अनुप्रयोग d बाई डी एक्स का क्या है अनुप्रयोग ठीक है इस डी बाईस के अनुप्रयोग से सात नंबर का क्वेश्चन आता है ठीक है फिर चौथा नंबर इसमें क्या है कि हमारा निश्चित समाकलन हाँ निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग ठीक है इसका अनुप्रयोग जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा कि अवकलन समीकरण ठीक है अवकलन समीकरण ठीक है एक चैप्टर ये है जो आपका छः से आपका सात मार्क्स दिलाएगा ठीक है ये अवकलन चैप्टर अवकलन समीकरण इस पर ज्यादा फोकस करना है एक है बकरों के बीच का क्षेत्रफल बकरों के बीच का क्षेत्रफल ठीक है ये भी आपको चार से पांच मार्क्स दिलाएगा ठीक है जोड़ लीजिए सात चार ग्यारह है ना और तीस लगभग इकतालीस नंबर जो है इतना चैप्टर पढ़ने के बाद जो है आपका कवर होगा ठीक है इस बात को ध्यान दीजिएगा सिर्फ के कैलकुलस की बात हो गई ठीक है इसके अलावा हमें और भी देखिए चैप्टर है जिस पर हमको गहन अध्ययन करना है जैसे क्या ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग को जैसे हमारा क्या है आगे का जो है हमारा जो है जैसे कि एक च, आपको है आप ध्यान दीजिएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनाट है ना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तो मैट्रिक्स एंड भी जो है ना हमारा जो है करीब आपका दस नंबर आपको दिलाएगा जिसको आप और शारणिक कहते हैं इसको फोकस करना है और दूसरा क्या है आपका वेक्टर है ना वेक्टर एंड थ्री ज्योमेट्री वेक्टर एंड थ्री ज्योमेट्री ये जो है ना आपका अठारह नंबर क्वेश्चन मार्क्स दिलाएगा जी ये जो है अठारह नंबर मार्क्स दिलाएगा और लास्टली एक और है जिसको कहते हैं प्रोबे बाइबलिटी प्रो यानी कि प्रायिकता ठीक है ये प्रायिकता जो है आपका 6 से आठ नंबर दिलाएगा आपका एग्जामिनेशन में और लास्टली है एल पी पी ग्राफ ठीक है ये एल पी पी ग्राफ जो है एग्जामिनेशन में छह मार्क्स आपको दिलाएगा ठीक है तो ये सब टॉपिक जो है ना आपको बिल्कुल गंभीरता से पढ़ना है ठीक है ये हो गया अठारह 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 छो चौबीस और चौबीस छो कितना हो गया तो बत्तीस ठीक है तो <स्थिक> कहने का मतलब ये है कि इस वेक्टर और थ्री ज्योमेट्री में आपका और भी कुछ मार्केबल है इसको कम से कम ये चौबीस नंबर तक जाएगा जी ठीक है ये आपका चौबीस नंबर तक जाएगा इस चीज को ध्यान में रखिएगा ठीक है कि ये वेक्टर जो है ये वेक्टर और थ्री जो है आपका चौबीस नंबर तक मार्किंग ले जाएगा चूंकि पंद्रह से सोलह तो ऑब्जेक्टिव पूछता है दो गो शॉर्ट पूछता है एक गो लॉन्ग पूछता है ठीक है तो आपको ये चौबीस नंबर तक आपको लेके जाएगा चौबीस नंबर ये दिलाएगा ठीक है यानी कि ये चैप्टर जो है चौबीस नंबर दिलाएगा तो जोड़ लीजिए चौबीस दस चौतीस और चौतीस और बत्तीस छोड़तीस लगभग चालीस नंबर ये दिलाएगा है ना इतना चालीस से बयालीस नंबर आप आराम से ले आओगे और उधर का पचास नंबर ठीक है तो लगभग जो है नाइन्टी परसेंट स्कोर आप कर जाओगे लेकिन बेसिकली क्या है इस सब पर बिल्कुल गंभीरता से ध्यान देना है ठीक है और जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके है ना फोकस करना है एन बुक पर बार बार मैं कह रहा हूँ ओके ये तो हमारा चैप्टर था कि कौन सा चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दें ओके चलिए अब लास्टली जो है हमारा ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ना आपका क्या है जैसे आपका पचास मार्क्स का आपका जो है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ठीक है यदि आप सोच रहे हो कि यदि पचास में पचास कर जाओ पचास में पचास कर जाओ तो बल्ले बल्ले है ठीक है इसके लिए हमको क्या करना है कि इस पचास को वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कम से कम एक हजार है ना कम से कम एक हजार वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या करना है अभ्यास करना है क्या करना है जी तो अभ्यास करना है ठीक है तो इसके लिए अब एक हजार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा कहां से तो लगभग चार सो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है चार सो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपका प्रीवियस ईयर में ही है आपका क्या है प्रीवियस ईयर में ही मिलेगा ठीक है इसके अलावा ठीक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कहाँ से आप लाइएगा तो कोई भी आप मार्केट <coughs> से आप ले लो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो के अलावा अलग से मॉडल सेट भी आता है ठीक है तो उस मॉडल सेट को निकाल लीजिए मॉडल सेट को आप देख लीजिएगा उसमें भी करीब करीब आपका जो है यदि मान लिया पांचे सेट है तो कम से कम ढाई सौ हो जाएगा ढाई सौ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा ठीक है और क्या है जो सरकारी मॉडल सेट लास्टली जो निकालता है ना जो सरकार निकालती है मॉडल सेट है नी? यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जो मॉडल सेट निकलता है ठीक है उसमें भी कै आपका पांच सेट दिया रहता है यानी कि ढाई सो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वहां से भी आ जाएगा तो ढाई ढाई पांच चार सौ लगभग नौ सो हो गया ठीक है और बाकी आप जो भी बुक अलग से फॉलो करें ठीक है कुछ अलग से बुक भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है तो लगभग आपको एक हजार वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास करोगे ना तो आपको क्या है पचास बनाना कोई मायने नहीं रखता है ठीक है तो यही बात हम आपको समझा रहे थे कि आप मैथ में नाइन्टी परसेंट स्कोर कैसे कीजिएगा ठीक है तो हमने पांच प्रमुख जो उपाय बताया पहला कि टाइम टेबल पर फोकस करना है दूसरा है ना कि टाइम टेबल के अलावा क्या एनसीईआरटी बुक है तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है है ना और चौथा कि हम मैथ में कौन कौन सा हम चैप्टर पढ़े ताकि हमको ज्यादा मार्क्स आए ये हमने आपको बताया ठीक है और उसके बाद क्या है लास्टली वस्तुनिष्ठ पैटर्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना है तब न कहते हैं जी गर्दा हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बौछार हो गया ठीक है ओके चलिए तो इसी बातों से आज के क्लास को हम खत्म करते हैं और आज का क्लास अब यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा ओके बच्चों बाय बाय